शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने देश में कोरोना महामारी के दृष्टिगत राज्य के सभी कार्यालय आज यानी कि 24 से लेकर 26 मार्च तक बंद रखने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सेवाओं के लिए अधिसूचित किए गए सभी कार्यालय खुले रहेंगे। मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि कर्मचारी अपने परिवारों के साथ घरों में रहें और अपना स्थान ना छोड़ें, क्योंकि उन्हें किसी भी समय कार्यालय में बुलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर सुझाए गए सभी एहतियात उपायों का पालन करना सुनिश्चित करें। जयराम ठाकुर ने आम लोगों को अपना स्थान ना छोड़ने की अपील भी की, ताकि लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की परेशानी का सामना उन्हें ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है और राज्य में आवागमन के लिए सभी साधनों को भी निलंबित कर दिया गया है। प्रिय प्रदेशवासियों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए आह्वान को सफल करने के लिए आप सबका भरपूर सहयोग मिला। जनता कर्फ्यू पूरे देश भर में और हिमाचल प्रदेश में पूर्ण रूप से सफल रहा। इसके सहयोग के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कोरोना वायरस की यह महामारी भारत में भी लगातार बढ़ती जा रही है, जो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आज हमने निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश में भी हम लॉकडाउन करेंगे और आज से हिमाचल प्रदेश में भी लॉकडाउन शुरू हो गया है। मैं इसके भी सफलता के लिए आप सब से सहयोग की उम्मीद करता हूं। इसके साथ साथ में हमने आज एक और भी निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय, बोर्डों, निगमों के सभी दफ्तर 24, 25, 26 यानी कि कल से 26 तारीख तक बंद रहेंगे। हम चाहते हैं कि कोरोना वायरस की इस महामारी को हम हिमाचल प्रदेश में रोकने में कामयाब हों और ये सब आप सबके सहयोग के बिना संभव नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि कल से 24, 25, 26 तारीख को सभी कर्मचारी अपने घरों में रहेंगे। अगर आवश्यकता हुई तो उनकी सेवाओं को लेने के लिए सरकार की ओर से संपर्क किया जाएगा, लेकिन फिर भी मेरा आप सबसे इस बात के लिए निवेदन है कि इस अभियान को सफल करने के लिए आप सबकी सहयोग की आवश्यकता है। आपका जीवन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए आइए हम मिलकर के कोरोना वायरस के इस महामारी के खिलाफ इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।